राम राम भाई सारे भाइया नया एक बाण बेबे राम 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 कौन सा गाँव है दिल्ली से हम दिल्ली में कौन सी जगह जगतपुर छतरपुर ओहो नोएडा गुड़गांव में दौड़े गए फरीदाबाद साइड गए। चलो बताओ कौन सा ग्रुप था कौन सा बैच था आपका बताओ। ग्राउंड नंबर 5 था और बैच नंबर 1 था। ग्राउंड 5 बैच नंबर 1 सौ में से 29 बच्चे पास। 29 का बहुत बढ़िया रनिंग हो गया था। कह रहे थे कि लड़कों से बढ़िया तो लड़कियों नहीं कर रहा है क्योंकि लड़के 8 या 9 ही पास हो रहे थे। हाँ हाँ लड़के 29 पास। और ये भी बात चल रही थी कि लड़की तो पूरी भी नहीं होंगी इस तरह की भी बात उड़ाई जा रही थी। बहुत लड़के आई थी। कौन सा ग्रुप था आपका बैच बैच नंबर 1 था और ग्राउंड नंबर 5 नंबर में। कैसा था ग्राउंड? बहुत अच्छा था ग्राउंड तो, और स्टाफ भी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव था, सबने बहुत मतलब मोटिवेट करा हमने। चलो आपका कितना था ग्राउंड पे टाइम है? मैंने ये कि मैंने 15 दिन ही मैं ग्राउंड पे गई थी दौड़ने के लिए, मेरे तो 1600 भी कंप्लीट नहीं हो रही थी, यहाँ पे 1600 कंप्लीट भी हो गई। चलो नंबर कितने थे अपने? नंबर तो मेरे बहुत कम था, एसटी से हूं ना मैं। अच्छा 44 थे। चलो कट ऑफ तक कितने नंबर ऊपर थे? मतलब वैसे मेरे 41 थे, फिर 4-5 नंबर नेगेटिव मार्किंग में बढ़ गए तो 45 बन रहे हैं, और हमारी एसटी की कट ऑफ गई है 44 ही गई। हाँ, तो मैं तो ट्राई करने आई थी, पर ये है कि मेरा 1600 भी नहीं होता तो घर पे वो 1600 भी हो गए। चलो कोई ना, इस तरह अपना आगे तो फायदा मिल जाएगा। जेल वार्डन का आएगा उसका ट्राई कर। ये पूछे ग्राउंड का टाइम आपका इन तक पूरी है ना होगा? नहीं तो पूरी ही नहीं होती थी अंकल। अब यहाँ पे 9 मिनट 1 मिनट से रहते। अच्छा नो, फिर भी 15 दिन में 9 मिनट आ गया, भी बड़ी बात है। मैं तो घर पे पूरा ही नहीं हो रहा था। चलो यह भी बढ़िया बात है। और लड़कियाँ 29 लड़की कर रही है क्लियर, लॉन्ग जंप में कितनी कर रही? हमें तो भगा दिया, फिर पता ही नहीं चला रनिंग 29 की होगी, मतलब कुल में 100 में था 29। बहुत बढ़िया रेस हुआ, बढ़िया चल रहा है स्टाफ, बहुत बढ़िया, मतलब लड़कियों ने बहुत अच्छा करा। अच्छा चलो और कितने बात बनी जाएगी। क्या नाम बेबे? प्रिया ने बहुत बढ़िया जानकारी, छतरपुर वाले चीते आगे छावेंगे फिर कुआ बात बनेगी। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। लियो भाई समान ने बड़ी बढ़िया जानकारी दी, वीडियो देखा करती भाई या नुआ छोरिया के मामले सब तरह ना टुकी जाती भाई, जो देखती होता है थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ। तो भाई इसने बताई 100 मत 29 और एक बाण ने बताई 100 मत 20 भाई, ठीक है। एक बाण भराई की फेटी थी बादलगढ़ दौरेगी तवा भी रह गई थी, फिर नाटक की वीडियो बनाना हूँ तो वीडियो देखा करते क्यों पड़ोस के हो गए। फिर एक बाण फेटी हुआ उन्हें बताई 100 मत 15, ठीक है। फिर एक ने बताई 50 मत 8 भाई। तो लड़कियाँ बढ़िया कर रही हैं भाई रनिंग, बाकी देखो इब और आवेंगी, इब देखो जो रहेगी रेस रेस में तो इन तक बतलाओ, ये तो पहले आई एक आधी रोन लाग रही है भाई, क्यों तंग तो हुआ है भाई छोरी है, रो तोड़ी पड़ा है ये, इन बर्दाश्त तो होता नहीं क्यों। तो भाई ईसा सौदा बन गया, बाकी भाव और जानकारी देखो इब जाम हा हो रहा है, इब क्वालीफाइड आऊँगी ना नु मान लो ये अन लाई जाए 12-1 बजे ही, तो वह फिर उछल उछल कर जी होगा बात करेंगी, क्योंकि भाई क्वालीफाइड की तो खुशी हो गई है। तो फिर बढ़िया तरी और बताओ, ग्राउंड नंबर 5 था भाई, बहुत बढ़िया ट्रैक बताया इनने, अब भाई 5 नंबर ग्राउंड पर बहुत बढ़िया चल रही है रनिंग, सारे ग्राउंड बढ़िया है भाई। छोरिया की वीडियो भी तुमने देख ली होंगी छोरिया ने, तो ईसा सौदा है भाई यो मामला चल रहा है, अरकती मेला है भर रहा है, जंग आनी है माड़ी ही वीडियो बनाने की भी, ट्रैफिक जाम हो रहा है, पुलिस वाले भी आंडा है, मन्ना आप डर लागे कदम मन्ना उठा ले जाए भाई। तो बाकी देखो ईब जिसे आऊँगे बालक पीछे बार आऊँगी ये छोरी भाई, जो क्वालिफाई होगी तब बताऊँगा, इतना ये शायद शायद जो रह जाए इनके घर के भी चले जाएंगे, फिर और चीट ही हो जाएगी। चलो भाई बाकी बने रहो, दिखाऊँगा भाई एक बार शामी का नज़ारा और दिखा दूँ, लोग भी इकट्ठी होगी मेरा दौरा है। लो भाई यो भाई और फिटा था यार भाई, यो दिखा देता हूँ ये वो मारा चढ़ रहा हूँ कितनी टांड पर है, यो शामी का नज़ारा है उड़ेगा भाई, ठीक है। यो भाई आसा लाग रहा है यार, ये नचा पानी पी लाग रही लोग बाग भाई, ताऊ लखा लाग रहा है चालिएगा हाथ में यार भाई, कितने कितने आज बाल रखी है भाई, कितने लोग आई शक्ल लाग रही है, ठीक है। नूना ट्रैफिक जाम है रोड पर, एक ओड ने हुमा तक कती खड़िया, देखो ट्रैफिक जाम है भाई, ठीक है। एक ही बच्ची का छा गई है, बड़े डाई लोग मारा लाग रहे हैं सारे भाई। तो भाई इस प्रकार तो है, बाकी देखो ये वो अगर कोई बोली भाई को वीडियो देखने वाली कोई छोरी फेटी तो ज़रूर बता दो ना, तो फिर जो क्वालिफाइड होगा होंगे ना उनने बोल पढ़ाए, क्योंकि वह राजी हो ही रहा, उनका मन बहुत राजी रहा है। तो बाकी का दिखाते हैं भाई, वो नज़ारा तड़के तड़क पोटा दिखाया भाई, 2 लाख सब्सक्राइबर करा दो भाई, 1 लाख बांट दें पब्लिक में, ठीक है। राम राम बने रहो, काम चल सुतरे। और भाई बाकी के में और जानकारी लेनी हो तो मेरे तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करियो भाई, पोटा ब्लॉग कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक पाओगा, पोटा ब्लॉग्स पर मैसेज करके पूछियो, बाकी फिजिकल से रिलेटेड मैं सारी जानकारी आड़े घेर दिया करूँ, ठीक है भाई। इंस्टाग्राम पर कुछ और पूछना हो तो बताया करूँ।